अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारे सरवर दस्तर में आप लोगों का स्वागत है। ईद मिलादुल नबी को आप लोग को सबको मुबारक। चलिए आज मैं बनाती हूँ पूछे इजी पुलाव बनाने का। तो इजी पुलाव तो बनाऊंगी। मैं एक बार बोली थी ना गरम मसाला मैं दूंगी, मेरा सीक्रेट क्या है, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए पहले गरम मसाला से शुरू करते हैं। ये हमारा गरम मसाला है, दालचीनी, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और ये जायफल, आधा जायफल ली हूँ। और ये जावित्री, जावित्री या सादा गुल मिर्च हमारा कम है वो है ही नहीं अभी, जो है इससे मैं बनाती हूँ। बस यही मसाला हमारा रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। सैजीरा नहीं और स्टारफुल नहीं और बहुत सारे मसाले होते हैं गर्म मसाले में, वो सब मैं नहीं डालती। बस लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची यही डालती हूँ मैं, और सादा गुल मिर्च वो रहता है थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता हमारे गर्म मसाला में। आइए दालचीनी डाल दी, ये बड़ा है, मोटा है, जल्दी गर्म नहीं होता। ये इलायची दे दी, बड़ी इलायची, लौंग, ये हल्का हल्का आँच में गरम करने का, इसको ज़्यादा काला नहीं करने का। मेरा जावित्री कम हो गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उतना। जावित्री अब ये पुलाव में डालते, बिरयानी में डालते, एक बार पाउडर करके मैं रख लेती हूँ। अब इसको तो ज़रा ज़रा कभी कभी नहीं पिसा जाता ना, नहीं होता, जल्दी में रहती हूँ तो इसको मैंने एक बार पाउडर करके रख लेती हूँ, यह सब में चलता है। और मिक्सर में पीसने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ ज़्यादा मसाला का, अच्छा से पाउडर भी बन जाता है और सब चीज़ें हमें ईजी पड़ता है देने में। तो इसीलिए हमें याद नहीं रहा कि हमारे मसाला में क्या है क्या नहीं है, भूल गई मैं, मैंने पूरा नहीं ला के रखी। सब चीज़ है लेकिन जावित्री, सादा गुल मिर्च, ये हल्का हल्का आँच में भूनने का। आप लोग भी बोलेंगे कि जब इतने दिन के बाद ही अपने सीक्रेट गरम मसाला क्या डालते हैं, तो उसमें भी पूरा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा चीज़ रहता है, ज़्यादा गरम मसाला स्टॉक में रहता है तो उसमें कभी कभी कुछ चीज़ नहीं रहता है तो याद नहीं आता है। अभी ये ठंडे होने के बाद अभी इसको पाउडर बनाती मैं। चलो जब तक ये ठंडा हो रहा है, आप चाहो तो कोई सा भी तेल में बना सकते हो। आपको पता है कोरमा बनाती हूँ तो मैं आलू में कलर डालती हूँ, स्वीट कलर। ये आलू फ्राई करके निकालती हूँ, मैं दूसरा चीज बता रही हूँ। अभी उसी तेल में हमें प्याज लाल करना है। ज़्यादा काला नहीं करना है हमें, हल्का बादामी कलर आएगा ना तब तक का लाल करना। बटाटा, आलू, हाँ ये बटाटा मैंने फ्राई करके निकाली हूँ। अभी इसमें गरम मसाला के बोतल में मैंने रखती हूँ, ये पहले का ज़रा सा है, अभी ये ताज़ा। ये गरम मसाला हमारा रहता है और इससे ज़्यादा
कोई गरम मसाला मैं नहीं रखती हूँ बिरयानी में, कोरमा में, कोई भी चीज़ में देने का हुआ मेरा यही गरम मसाला रहता है। ये मेरा अपना बनाया हुआ मैंने बाज़ार से रेडीमेड नहीं लाती हूँ। और बहुत सारे मसाला में ताम झाम रहता है गरम मसाला में, मैं उतना वो सब नहीं देती हूँ। हर मसाला का अपना अलग अलग टेस्ट है। ये जो मसाला मैं डालती हूँ इसका टेस्ट, इसका स्वाद अलग है। ये कभी मैं जावित्री बाज़ार जाऊँगी तो जावित्री और सादा गोल मिर्च बना के फिर ये सब मसाला में मिला के इसके एक बार रख दूँगी। और इससे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता है, रहा तो आप दे भी सकते नहीं, जितना मसाला आप उतना ही में आप काम कर सकते हो, इतना में भी होता है। और इतना गरम मसाला में आधा से भी कम जायफल, बहुत ज़्यादा भी जायफल नहीं डालती हूँ मैं क्योंकि गरम है जायफल। ये भी ज़्यादा डालने वाले, इसको थोड़ा और लाल करना है। ये चावल के लिए पानी, चावल के लिए पानी, दालचीनी, इलायची, लौंग, चार पांच इलायची है, चार पांच लौंग है, तेजपत्ता है धोया हुआ है, और ये कोई वटाना बोलते हैं, कोई छीमी मटर बोलते हैं, नमक थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ। ये पानी निकालना है, बोल रहे थे लोग ना हमें इजी पुलाव बताएं, तो इजी पुलाव यही तरीका से बनता है, आपको इजी पुलाव बता रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पानी या आप चावल बैठा के बनाएं या आप पानी निकाल के बनाएं, इससे अच्छा इजी पुलाव और कोई सा नहीं है। जैसा जीरा राइस बनाते हैं, जैसा जीरा राइस बनाते हैं इस तरीका से आप इसको चावल का पानी निकाल के बनाओ, और या तो ये गर्म मसाला का तेल में तड़का डाल के बनाओ। आप घी डालडा जो भी यूज़ करते हैं आप वो दे के गर्म मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी का वो तेल में डाल के, घी में डाल के, चाहे घी में तेल में, आप जिसमें भी खाना खाना आप पसंद करते हो उसी में आप डाल के आप बना सकते हो। चावल बैठा के बनाओ या पसा के बनाओ। आज मैं बहुत से लोगों को पसा के बना के बता रही, बोल रहे ना इजी पुलाव, तो ये इजी पुलाव चाहिए और इजी भी चाहिए। क्या बिना काजू बादाम का नहीं पुलाव बनता है? क्यों नहीं बनता है? बिना काजू पुलाव, बिना काजू बादाम का भी बनता है। आपकी मर्ज़ी, आप डालो या नहीं डालो, आपका मर्ज़ी, आप ड्राई फ्रूट डालो बिना ड्राई फ्रूट का, आज भी बना रही बिना ड्राई फ्रूट का, और सादा प्लेन और बहुत इजी है। कुकर का ढक्कन खोली हूँ मैं, और ये कांदा का पानी सूख गया है और गल भी गया है, ये देखिए। इसमें मैंने अदरक लहसुन मसाला कुछ भी नहीं डाली थी, अभी इसमें डालना है क्योंकि प्याज जितना गला है ना, अभी अदरक लहसुन रहता मसाला रहता तो ये जलने का डर रहता है। पीसा हुआ है ये हमारा, ये चमची का, दो चमची डाली हूँ मैं अदरक लहसुन। आपकी मर्जी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा किलो गोश्त में दो चमची डाली हूँ मैं, एक चमची का, देख ले चमची छोटा है, दो चमची। तीखा आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर दो, ये चमची का दो चमची, ज़ीरा पाउडर डेढ़ चमची, क्योंकि ज़ीरा ज़रा हार्ड होता है ना, आधा चमची। और मैं धनिया पाउडर डाल दी हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से, अगर मिर्ची तीखा ज़्यादा है तो कम डालें, मिर्ची तीखा कम है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मेरे में
और चाहिए। और हल्दी थोड़ा दे दी मैंने, इस बार कोरमा में हल्दी दे दी, वरना मैं हल्दी नहीं देती हूँ कोरमा में। चावल को चलाना है, चावल में नमक, ये देखो मटाना डाली हूँ, गरम मसाला इसमें थोड़ा है, अभी इसको पानी निकालना है। प्याज देखिए गल लिया, अभी गोल डाल के भूनूंगी मैं। ये चिकन है जी, धो के मैं साफ करके रखी हूँ अच्छी तरह, ये डाल दी हूँ अभी, मुझे हाथ से करना पड़ रहा है जल्दी। ये थोड़ा क्रीम वाला दूध ऊपर, इसे फूड कलर देना। लोग बोल रहे थे कि आप चावल में गुलाब क्यों नहीं देते हैं, तो मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं देती हूँ। देखिए ज़रा सा देना है, ज़्यादा गिर गया, थोड़ा सा देना है, असली प्योर रूह। हाँ ये प्योर है, हाँ प्योर ऐसे ना, ये देते ही है पलाव में। हाँ तो देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ। ये देखिए हमारा सादे तरीक़े से, सादे तरीक़े का पुलाव। अब आप घी दें, डालडा दें, तेल दें, ये आपकी मर्ज़ी। अब इसको थोड़ा दम में रखने का, पता के लिए कम लगा मैंने दे दी। ये हमारा कोरमे का सालन रेडी है, तैयार है। अब इसमें गरम मसाला, मैंने एक बार वीडियो में बताई थी कि साथ साथ मुझे नहीं देना था, तो इसका याद रहे। मैं इसी तरह कोरमा का सालन इसी तरह मैं देती हूँ। ये कोरमा हो चुका है, हमने तैयार हो गया है, बंद कर दिया है, आलू वगैरह सब गल गया है। और ये मैं ये क्या है, अतर है, अतर है, ये खाने का अतर, ये है। खाने का अतर जो मैं एक बार बताई थी कि कोलकाता में मिलता है। ये देखिए आज मैंने बंद कर दी, गैस बंद कर दी हूँ मैं, ये गरम में नहीं डालती हूँ ना गरम मसाला। और इसको मैंने बंद करके दम में ये जाएगा, ये इसको दम में कर दी। इसका तरीका मैंने पहले बताया थी नरगिस पुलाव में, ये वही तरीका से कोरमा बनेगा। 5 से 10 मिनट इस, हाँ इसको दम में थोड़े देर रखना पड़ेगा, खाना हो तो जब खाना हो तब आप निकाले सालन इसको सर पर। हाँ आई देखिए जर्दा का क्या क्या लगता है। हाँ ये चेरी है, और ये मुरब्बा है सादा,
और बादाम है और काजू है, अखरोट है, लौंग, इलायची, दालचीनी, मावा, शक्कर, घी, डालडा, तेल, वो आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी चीज़ आप बना सकते हो। यानी डालडा, थोड़ा सा डालडा दे दी ड्राई फ्रूट के लिए, काजू, अखरोट, आपकी चॉइस, आप अखरोट डालो या ना डालो। हाँ, मेरे पास था तो मैंने डाल दी। हल्का निकाल लेना है, निकाल देना। बादाम को भी फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे आपकी चॉइस, आप फ्राई करके डालो या कच्चा डाल दो, ये आपकी चॉइस है। दोनों तरीक़े से मैं बनाती हूँ। मैं इसको हल्का हल्का आँच में, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कोई सा भी ड्राई फ्रूट को ज़्यादा नहीं करना है, इसको निकाल लेना है। मैं निकाल रही हूँ, मैं निकाल के बता रही हूँ। दे दी और घी दिया हमने। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए होता है ज़्यादा में। ये देखिए, लौंग है, दालचीनी है और इलायची है। हाँ, ये इतना मसाला जाएगा इसमें। ये मैंने अंदाज से ले रही हूँ, आप कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हो। पाव किलो चावल में, पाव किलो तो शक्कर नहीं जाता है, उसका आधा। ये ले, थोड़ा पानी मैंने डाल दे रही सीरा होने के लिए, ज़्यादा तो नहीं, सीरे के लिए थोड़ा सा पानी, तो सीरा करना है। देखिए, गरम मसाला के साथ शक्कर डाली, पानी डाली। शक्कर इसलिए पहले डाली कि बहुत से लोग ना पहले पानी डाल देते तो पूरा उड़ जाता है, तो इसलिए पहले शक्कर डाली कि ताकि वो अपने को भी तकलीफ ना हो और धुआंदार बन के उड़े भी ना, तो इसलिए पहले शक्कर डाली फिर बाद में पानी डाली। हम लोग घर में कम खाते मीठा, इसलिए कम डाली। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, ये देखो, प्योर रोज़ एसन है, ये मैं ज़रा सा डाल दी हूँ। प्योर है ना, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, एकदम ज़रा सा। देखिए देखिए बूंद, अब इसमें चावल डाल दे रही मैंने, जो अभी चावल बनाई, चावल डाल दे रही। देखिए, ये देखिए, आधा इस तरीका से बनता है। अभी थोड़ा मैं ये वाला आधा इसमें डाल रही हूँ, आधा गार्निश के लिए रखूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मीठा चावल, कोई मीठा चावल बोलते हैं इससे और कोई जर्दा बोलते हैं, इसे कोलकाता में जर्दा बोलते हैं और बहुत से जगह में इसको मीठा चावल बोलते हैं। इसीलिए इसमें पानी हिसाब से देना सीरा में। ये पटपट आवाज़ हो रहा, यानी कि सीरा का पानी सूख गया। ये
आवाज होता है तो मतलब इसका पानी सूख गया है और ये हो गया। हाँ, ये दम में आपको जिस तरह चाहे दम में रख सकते हैं, थोड़ा दम में भी रखने पड़ता है। अभी इसमें गार्निश में करती हूँ। मैं मावा दे रही हूँ, मैं ये देखिए थोड़ा सा ऊपर रखी हूँ गार्निश के लिए, तो सोची दे दूँ। अब इसे खोल दे, ढक के रखना है। ये देखिए माशाल्लाह। हाँ, अब इसको थोड़ा दम में जाएगा। हाँ, ढक्कन ढक में जाएगा, दम पे जाएगा। हाँ, चिकन कोरमा मटन कोरमा मैंने बनाई हूँ। ये कोरमा और ये सलाद मिक्स, ये बगैर दही वाला है। इसमें जंजीरा बोसा मसाला है, जीरा पाउडर है, ये हमारा सब मसाला जो बनाया हुआ ये सलाद में वो है। अभी अव्वल का कोरमा पुलाव मीठा जर्दा, अब मीठा पुलाव बोले या जर्दा बोले ये वो है। और आप सबको ईद मिलादुन नबी आप सबको मुबारक हो, और बस आप लोग का मुबारकबाद मैं खुद ले रही हूँ। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, अच्छा लगता है। आप लोग अच्छा अच्छा बात बोलते हो, अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें। आपने हमारा वो रवा वाला सूजी वाला जो मीठा बनाए थे आप लोग ने वो खाए बनाए ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत अच्छा कमेंट करें, बहुत अच्छा बोले, आपके लिए थैंक यू। और पता नहीं आपको धन्यवाद बोलूँ, शुक्रिया बोलूँ, थैंक यू बोलूँ या क्या बोलूँ। आप बस हमारे लिए इतना ही है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ सब बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग अगर नहीं हो हमारे चैनल में तो बेल आइकन दबाए,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें। प्लेन तरीका का पुलाव और मीठा और कोरमा आप ज़रूर आप बनाएं, ट्राई करें। अच्छा लगे तो बताएं, ना अच्छा लगे तभी बताएं। मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगी, हमेशा से मेरे यही बात रहा और आप लोग भी जान ले, मैं कोशिश करती हूँ अच्छा करने का, इजी तरीका से बनाने का, इजी तरीका से पकाने का, क्योंकि बहुत कम लोगों को आजकल बहुत कम टाइम रहता है। बच्चे वाले रहते हैं, जॉब वाले रहते हैं और हॉस्टल में रहने वाले होते हैं, तो बहुत से तरीक़े से आप लोग बना सकते हो। इजी तरीक़ा से मैं कुकर में बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ, टोप में बनाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप हमें बताएं, मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगी। पर लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब।